फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही हैं आप सबकी दिवाली की तैयारियां? हमारी भी दिवाली की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। आई होप आप सबकी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऑफिस से फ्री होते ही मैं और हस्बैंड दोनों पहुंच चुके हैं दिवाली के लिए कोई आउटफिट वगैरह देखने के लिए, क्योंकि जो है मुझे एक एथनिक वेयर में कुछ अच्छा सा आउटफिट चाहिए था ऑफिस में पहनने के लिए दिवाली के दिन। तो मैंने सोचा कि उन्हें देख लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी जो है वो आउटफिट वगैरह देखी और बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे। आगरा का ये फेमस शोरूम है सुरेश चंद दिनेशचंद के नेम से, जो आगरा से बिलोंग करते होंगे उनको पता भी होगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी और मैंने कुछ चूज़ भी किया, बट ये था मुझे कुछ एथनिक चाहिए था तो यहाँ पे जो है वो मुझे नहीं मिल पाया। बट ये जो मैंने ड्रेस जो है वो ट्राई की, रियली फ्रेंड में सच में मतलब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ पे जो दो तीन कस्टमर थे वो मुझे ये भी कह रहे थे बहुत क्यूट लग रहे हो, बट मुझे मेरे हस्बैंड ने तो बोला ये ले लो, बट मुझे कुछ एथनिक ही देखना था। तो मैंने यहाँ पे तीन चार सूट देखे जो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आए। तो फ्रेंड्स, चारों तरफ देखिए जो है दिवाली की रौनक लग चुकी है और यहाँ पे जो है फूल वगैरह बिक रहे हैं, क्योंकि इको दिवाली जो है वो अच्छी रहती है। तो जो है घर की सजावट लोग फूलों वगैरह से करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे करके हमने जो है दिवाली का जो भी पूजा का सामान है सब ख़रीदा हमने वन बाय वन करके, क्योंकि ऑफिस के बाद एक तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बट फिर भी जो है आज ही का दिन था हमारे पास, तो हमने जो है धीरे धीरे करके सारा सामान खरीदा। यहाँ पे मैंने जो है कुछ दिए वगैरह लिए, डेकोरेटिव दिए मुझे जो कि बहुत पसंद हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद हमें कुछ भगवान जी को चढ़ाने के लिए माला वगैरह लेनी थी, वो हमने लिया यहाँ से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। मतलब मम्मी ने सब दिए वगैरह जो है वो सजा के रख दिए हुए हैं, बस हमें मुँह धो के पूजा में बैठना है और पूजा करनी है।
बहुत ज़्यादा पसंद है, और क्योंकि जो है दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, आप में से भी बहुत जनों का फेवरेट फेस्टिवल होगा। मोस्टली जो है दिवाली फेवरेट होता ही है सभी का फेस्टिवल। तो आप भी बताइएगा आपकी छोटी दिवाली की पूजा कैसी रही और कैसा चल रहा है आपके घर में त्यौहार, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है हमारी छोटी दीपावली की पूजा। तो अभी जो है मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन करूँगी, मतलब देख सकते हैं आप लोग, कुछ भी अभी नहीं किया, ये बाहर का पोर्शन है तो थोड़ा बहुत ही करेंगे, क्योंकि जो है हम लोग इस साल दिवाली नहीं मना रहे हैं। इसका भी रीज़न मैं आपको मे बी नेक्स्ट व्लॉग में ही बता दूँ या फिर आने वाले दो तीन व्लॉग में बताऊँगी। और जो भी है थोड़ा बहुत कर रहे हैं, क्योंकि पूजा तो करनी ही थी, तो अभी मैं करती हूँ थोड़ी बहुत जो भी है डेकोरेशन वगैरह हो, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे लग चुके हैं पतिदेव कर्टेन वगैरह साफ़ करने के लिए। कर्टेन जो है मैंने दशहरे पे ही साफ़ कर दिए थे, मतलब उसको धो दिया था, बट ये होता है ना डेली डस्टिंग वगैरह होती रहती है तो उसकी वजह से गंदे हो जाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से उसको क्लीन कर दिया। और ये जो मैंने ये फूलों वाली जारल वगैरह लगाई है इसको भी उतारूँगी, क्योंकि इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है लगे हुए, तो गंदे हो चुके हैं काफ़ी, तो इसको मैं चेंज करके जो है डेकोरेशन का जो सामान लेके आई वो लगाऊंगी यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी। और पंखे तो भाई साहब इतने गंदे हो चुके थे ना कि इसको दो तीन बार में जो है वो ये साफ़ हुए हैं पंखे। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि हर 6 महीने बाद ना करने ही चाहिए, तो हमने अप्रॉक्स साल बाद ही किया है साफ़। और यहाँ पे जो एसी भी है उसको क्लीन कर दिया, अभी इसको कवर लगा देंगे क्योंकि अभी तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे निकाल लिया मैंने डेकोरेशन का सामान थोड़ा बहुत जो भी मैंने लिया था। अभी जो है वो कर्टेन वाला एरिया है, मैं वहाँ पे इसको लगाऊंगी। अभी जो कर्टेन वाला एरिया है मैंने उसको थोड़ा ऐसे कर दिया है। लास्ट ईयर मैंने जो है थोड़ा वो फ्लावर वाली लड़ियाँ लगाई थी यहाँ पे, तो इस बार मैंने थोड़ा ऐसे चेंजेस किया है। और कर्टेन पे मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह समटाइम बनाती हूँ, तो थोड़ा जो लुक है वो अच्छा आ जाता है, तो टेम्परेरी के लिए मैंने जो है कर्टेन पे ये लगा के बैकग्राउंड एक अच्छा सा बना दिया है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, रात के बज चुके हैं 11:50 और खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, बट अभी भी स्टिल बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो जो कि मैं निपटा के ही सोऊंगी क्योंकि कल दिवाली है। तो मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली, और बहुत सारा मुझे अभी काम करना है, अभी देखते हैं कितने 2 घंटे लगते हैं 3 घंटे लगते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो दिवाली का होगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और ब्लॉग अच्छा लगेगा लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरे सारे अपकमिंग व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।